अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से। देखिए ये आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं ये हरी चटनी बना रही हूँ। हरी चटनी जो है इसके लिए बिल्कुल मुनासिब चीज़ें मैंने ली हैं। और जैसा कि आपको पता है मेरा जो चैनल है मुनव्वर सुल्ताना किचन एंड ब्लॉग है, और इसमें नई नई चीज़ें मैं लेकर आती हूँ। आप लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरी चीज़ों को। और आज जो मैं बना रही हूँ वो ताहरी बना रही हूँ, और ताहरी के साथ ये हरी चटनी बना रही हूँ। और ये वैसे भी फ़ायदेमंद होती है चटनी। इसके लिए मैंने एक जो गट्ठी जो होती है उसकी हरा धनिए की, तो ये हरा धनिया लिया है, सही है। अच्छा, एक गट्ठी हरा धनिया लिया है, और ये उसके बाद मैंने ये पुदीना लिया है, और इसके अलावा ये 6-7 जवे जो है ये मैंने लहसुन के लिए हैं, और ये मिर्च है, ये कुटी हुई मिर्च है, चिली फ्लेक्स है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है, और जो 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने ये नमक लिया है, ये नमक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा 3 बड़ी मिर्चें ली हैं और 1 छोटी मिर्च ली है। अभी मैं इसको मैंने धो लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, आपको बताऊँगी। 2 मिनट का काम होता है ये चटनी। आप बना के रख लिया करें, जब खिचड़ी बनाए या चावल बनाए तो उसके साथ, पुलाव बनाए तो उसके साथ बड़ा अच्छी लगती है। तो ये मैं आपको मतलब बता रही हूँ, ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी ये सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ये मैं इसको जो है ग्राइंड करूँगी इसके तमाम चीज़ों को, और इसके साथ ये नींबू रखे हुए हैं ये 2, ये भी डालूँगी इसके अंदर। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं हरी चटनी बना रही हूँ, और इसके साथ जो है वो ताहरी बना रही हूँ। ताहरी बनाने के लिए मैंने ये थोड़ी प्याज ली है, इसको मैं जो है फ्राई कर रही हूँ। ये हल्की हल्की जैसे फ्राई हुई है तो जल ना जाए, इसलिए मैं इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं डालूँगी, और इसके साथ हल्दी भी डालूँगी, ठीक है, ये हल्दी डालूँगी, और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जल ना जाए। ये सेब जो है इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ, ये और ये ताहरी बना रही हूँ मैं। इसके ताहरी के लिए ज़रूरी है कि हम हल्दी डालें, हल्दी बहुत ही ज़रूरी होती है इसके लिए, ठीक है। ये मैंने जो है ये आलू है और ये हरी मिर्च है, ठीक है, ये मैंने जो है कट करके रख लिए, धो के और कट करके रख लिए। तो इसके साथ अब मैं ये टमाटर, 2 टमाटर है, 1 बड़ा 1 छोटा है, ये डालती है मैंने, और ये आलू भी इसके साथ डालूँगी ये, और साथ में इसके थोड़ा सा ये 1 टेबल स्पून जो है ये गरम मसाला जो है वो मैं डाल दी हूँ। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर, जो हम लोग ये ताहरी बनाते हैं ना, तो स्पेशली मैं गरम मसाला थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, चाहे पुलाव हो चाहे ये ताहरी हो। ये आप देखिए, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करती हूँ क्योंकि मैंने पानी डाल दिया है, मसाला कोई वो नहीं हो जाए। दूसरे ये कि इसके अंदर थोड़ा जीरा डालूँगी, 1 टेबल स्पून जो है इसमें जीरा डालूँगी, जीरा भी डालती हूँ मैं ये, हाँ
ये जीरा थोड़ा सा डालना देखिए डाल, बिल्कुल आखिर में जब ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो मैं थोड़ा मैंने भून के जीरा रखती हूँ, जीरा और धनिया भून के और थोड़ा सा कूट के वो रखती हूँ, वो मैं आखिर में डालती हूँ तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। अच्छा नमक क्योंकि मैंने अभी डाला नहीं है तो मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। तुम्हें चावल भी डालना है, हाफ टेबल स्पून ये नमक डालनी है। अभी जब तक के टमाटर इस पर गल नहीं जाते और आलू गल नहीं जाते तो मैं इसमें ना जब तक वो नहीं डालूँगी, ये चावल नहीं डालूँगी। और आप लोगों को पता है कि आप लोग भी माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल मेरी नज़रों के। वेलकम बैक टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। आपको मालूम है कि मैंने ये ताहरी बनाई है और बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल तो खुशबू बहुत आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। देखिए ये जो चैनल है ये मेरा मुनव्वर सुल्ताना किचन का है, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हूँ, व्लॉग भी करती हूँ। हाल ही में दो चार एक अभी मैंने व्लॉग डाला है यूएई का, क्योंकि मैं वहाँ थी तो एक व्लॉग मैंने बना लिया था तो वो मैंने डाला है। और इसके अलावा मैं ये खाने वगैरह का करती हूँ। आपको जो भी अगर व्लॉग बनवाना हो या किसी भी उसका ऐड करवाना हो तो आप मेरे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं ब्यूटी पार्लर के भी व्लॉग बनाती हूँ और कपड़ों के भी बनाती हूँ। उसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की क्रॉकरी के जो बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें उसके भी बनाती हूँ, ग्रॉसरी के भी। तो जो भी अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो वो है ग्रो करेगा आपका जो भी बिज़नेस है इंशाल्लाह। और आखिर में मैं इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। और अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू मुनव्वर सुल्ताना किचन। मैंने आपसे बताया था ना कि मैंने हरी चटनी बनाई है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चटनी है। और इसके साथ ये जो है ये चावल बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है और ये चटनी के साथ मज़ा देगा ये चावल। और आखिर में अल्लाह हाफिज़।